हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। और इसमें मैं प्री और मेंस के वीडियो क्लासेस डेली अपलोड करूँगा इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। तो इस सीरीज़ का पार्ट वन है, इसमें मैं इडियम्स और फ्रेजेस आपको बताऊँगा, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस बैंक क्लर्क एंड बैंक PO दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इडियम्स और फ्रेजेस इसमें मैं डिस्कस करूँगा। और यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं IBPS क्लर्क के लिए, एक टारगेट बैच मैंने स्टार्ट किया है और इसमें आज के लिए एक ऑफर भी चल रहा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस टारगेट बैच को प्री और मेंस के लिए, वैसे इसकी फ़ीस 1950 है, लेकिन केवल 1000 रुपये में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप आज ज्वाइन करते हैं 30 एडमिशन तक। तो इसमें एक डिस्काउंट कूपन है, वो लिंक पर आपको मिल जाएगा, C950, वो आपको डालना है। और 1000 रुपीज़ में ये टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी क्लासेस मैं 15 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका लिंक आपके मोबाइल पर मेल पर भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही पूरा कोर्स खुल जाएगा और वहाँ पर इस पेड कोर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लेइंग ऑफ का क्या मतलब है? लेइंग ऑफ का मतलब है किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाना, या काफ़ी सारे लोगों को जब नौकरी से हटाया जाता है, कंपनी में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसको हम लेइंग ऑफ बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। ठीक है, नॉर्मली इसका प्रयोग तब होता है जब हम काफ़ी बड़े लोगों को, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की छटनी की जाती है कंपनी में, तो उसको हम ले ऑफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूसेज भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टर इज लेइंग ऑफ मैनी एम्प्लॉयज़ फॉर द लॉस टू द कंपनी ड्यू टू देयर इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। काफ़ी सारे लोगों के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, इसलिए डायरेक्टर ने उनको ले ऑफ कर दिया है। तो नॉर्मली इसका प्रयोग हम जब बड़े लेवल पर बड़ी संख्या में लोगों को डिसमिस किया जाता है, छटनी की जाती है, तो उस सेंस में लेइंग ऑफ का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वेंट टू द विंड्स, वेंट का मतलब जाना, विंड्स का मतलब हवा में, हवा में खो जाना, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाना, टू बी अटरली लॉस्ट। अटरली का मतलब होता है पूरे तरीके से, टू बी अटरली लॉस्ट इसका मतलब होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई वेंट टू द विंड्स व्हेन आई सॉ द ब्यूटी ऑफ नेचर, जब मैंने नेचर की ब्यूटी देखी तो मैं उसमें पूरी तरीके से खो गया, ये इसका मतलब है। ग्रीन आई मॉन्स्टर, मॉन्स्टर हम बोलते हैं एक बड़े व्यक्ति को या एक राक्षस को। और कलर्स के काफ़ी इडियम्स इंग्लिश में काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे ग्रीन आइड एक्चुअली हम जेलसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन का मतलब होता है जेलसी, किसी व्यक्ति को जेलसी है। पिंक एक्चुअली हेल्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ब्लैक एंड ब्लू जब हम बोलते हैं तो किसी व्यक्ति की पिटाई लगाई गई है, उसको मारा गया है, ब्लैक एंड ब्लू, या कोई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, उस सेंस में हम ब्लैक एंड ब्लू को यूज़ करते हैं। तो ग्रीन आई मॉन्स्टर एक्चुअली जेलसी का जो फैक्टर है, ईर्षा द्वेष, किसी को कोई जलन हो रही है, तो उस सेंस में इसका हम यूज़ करते हैं, ग्रीन आई मॉन्स्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंड ऑफिश, इसका मतलब होता है उदासीन या इनडिफरेंट। ठीक है, पूरी तरीके से किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना और इनडिफरेंट होना। शी इज़ एक्सट्रीमली स्टैंड ऑफिस, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इनडिफरेंट इसका मतलब होता है स्टैंड ऑफिस का। चलिए, टॉकिंग थ्रू हैट, हैट के थ्रू बात करना, हैट में से बात करना, एक टोपी में से बात करना, इसका मतलब टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, या आप यहाँ पर यूसेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट वंस विट्स एंड, विट हम बोलते हैं बुद्धि को, तो जब किसी की बुद्धि चकरा जाती है, ठीक है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा पजल्ड या परप्लेक्स्ड हो जाता है, तो एट वंस विट्स एंड का वही मतलब, बहुत ज़्यादा पजल्ड या परप्लेक्स हो जाना। ठीक है, परप्लेक्स, कन्फ्यूज्ड, बी फडल भी हम इसको बोलते हैं, बी फडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये SSC एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं टुक टू हील्स, देखिए हील का संबंध भागने से है, हील, और टुक मतलब उस चीज़ को अपनाना, यानी किसी सिचुएशन से डर के मारे वहाँ से भाग जाना, उसको हम बोलते हैं टुक टू हील्स, रन इन फियर, ये इसका मतलब है। ठीक है, टुक टू हील्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी भी चीज़ को
डाउट के साथ करना या डाउट के साथ देखना, डाउट की नज़र से देखना, कोई आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, लेकिन उसको डाउट करना. टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, ये इसका मतलब होता है. टेक समथिंग विद एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसको अगर पास्ट में हम बोलेंगे तो इसमें हम टुक कर देंगे, टुक. इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, थिन एयर का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं, मतलब कहीं से भी अचानक से प्रकट हो जाना, ये इसका मतलब होता है. अपीयर सडनली, अपीयर सडनली, ये इसका मतलब होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ऑफ द वुड, क्या मतलब है इसका. आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है खतरे से या परेशानी से बाहर आ जाना, आउट ऑफ द वुड. फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर. अंडर हिज थम, थम एक्चुअली कंट्रोल को सिग्निफाई करता है, किसी के कंट्रोल में कोई चीज होना. मनीष गाइड हिज टीम इन द बेस्ट वे, ऑल द टीम मेट्स आर अंडर हिज थम, ठीक है, तो अंडर हिज थम. होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है कुछ भी होप नहीं होना, ये काफ़ी अच्छा एक नियम है, होपिंग अगेंस्ट होप, ठीक है, विदाउट होप. वन आफ्टर अनदर द एयरक्राफ्ट केम बैक एंड वी वुड काउंट देम, होपिंग अगेंस्ट होप दैट दे वुड ऑल रिटर्न. होपिंग अगेंस्ट होप मतलब कुछ भी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट होप. लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, ये भी काफ़ी अच्छा idiom है, इसका यूज़ होता है नर्वसनेस को दिखाने के लिए. कोई जैसे इंटरव्यू से पहले आप नर्वस होते हैं, या रिजल्ट आ रहा होता है उस समय आप नर्वस होते हैं, तो लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, ये इसका मतलब होता है वेरी नर्वस. शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब भी है, देखिए यहाँ पर भी हील्स वर्ड आया है, तो इसका मतलब भी है डर के मारे भाग जाना, रन अवे. टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स का मतलब है किसी जगह बहुत ही इनकंसिस्टेंट तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम को करना. टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, टू एक्ट फूलिशली एंड इनकंसिस्टेंटली, टू एक्ट फूलिशली एंड इनकंसिस्टेंटली, ठीक है. तो ये idioms हैं, और इस तरह के वीडियो क्लासेस मैं IBPS क्लर्क और IBPS PO के लिए रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा. IBPS क्लर्क के लिए एक पेड टारगेट बैच मैंने स्टार्ट किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसमें आज के लिए एक ऑफर है, इस टारगेट बैच को प्री और मेंस के लिए केवल 1000 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा. कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझे ज्वाइन कॉल कर सकते हैं. तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.